तो नाज़रीन मुल्तान से अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। मुआशरे के तकरीबन तमाम बाशऊर तबके कुछ ना कुछ सोचते हैं, वो हुकूमत के बारे में भी सोचते हैं, वो महंगाई के बारे में भी सोचते हैं, वो बढ़ती हुई गुरबत के बारे में भी सोचते हैं, वो मुख्तलिफ मसाइल के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन हमारे साथ भी आज यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम यही पूछना चाहेंगे। ये वो लोग हैं कि जो इस वक्त शायद अपने पूरे होश आवाज़ में जिनके कहा कि नहीं हो सकता, लेकिन उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज के हालात के ऊपर कैसे नज़र रखें। उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब मैं चोट लगी हुई है, गरीब आदमी हूँ, बड़ा जोन सा ना बाकायदा अस्पताल में जा रहा हूँ, डॉक्टरों के पास गया हूँ, डॉक्टरों ने कहा है अस्पताल में जाओ। अच्छा डॉक्टरों ने क्या कहा है कि मतलब आपका इलाज कैसे होगा? अब डॉक्टर ने कहा है जी यार आपके सिर पर चोट लगी है, आप जाओ अस्पताल में। अच्छा अस्पताल में गया हूँ, आगे अस्पताल वालों ने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा आपकी बात नहीं सुनी? सही है। अच्छा उन्होंने कहा जो सर ये आपका इलाज होगा। अच्छा उन्होंने कहा आपका इलाज होगा। हाँ जी। तो फिर आप इलाज कर रहे हैं यहाँ? मैं अस्पताल गया हूँ, उन्होंने जो सर ना मेरी। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये सिगरेट है बड़ी। अच्छा जी। ये इसके साथ ये क्या चीज़ है? ये पन्नी है बड़ी। कौन सी है? पन्नी है। इसका क्या करते हैं आप? ये पीते हैं हम, ये दवाई बनी हुई है, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये अस्पताल वालों ने कहा था आपसे कि पी है? नहीं ये तो नहीं है, मगर ये चोट लगी हुई है, गरीब आदमी हूँ जॉनसन ना मेरी जॉनसन, पैसे हों तो मेरा इलाज होता है जॉनसन ना, पैसे जॉनसन ना मेरा इलाज नहीं। मेरी बाजू टूटी पड़ी है, ये पॉकेट अलम से मेरे को रात सोया पड़ा था, रात 3 का टाइम था, किसी ने धक्का दे दिया। अच्छा ये 10 टांके लगे हैं, एमरजेंसी वो एम्बुलेंस आई सर, वो मेरे को लेके गई। अब डॉक्टर कह रहे हैं ये देखो बाजू मेरी हड्डी टूटी पड़ी है, ये डॉक्टरों ने मेरे की बाजू पहली पट्टी कर दी खराब, अब वो कह रहे हैं ऑपरेशन के लिए 10-15 हज़ार रुपया चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ ना, मेरा माँ है ना मेरा बाप है, 3 भाई थे वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, एक मेरी बड़ी हमशीरा है वो बेचारी अपने बच्चे पाल ले जा मेरे साथ भागे दौड़े। अच्छा यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इस जगह आप ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, वो भी बैठा है, वो भी बैठा है, ये कर क्या रहे हैं आप? ये हम क्या करना, हम आपको सीधी बताएं, बस गदा करते हैं, कोई 5 रुपया दे दिए किसी ने 2 दे दिए, ऐसे हम अपना टाइम पास करते हैं सर। ये तो फिर ये क्या ये दिखाओ एक मिनट, ये फिर हम नशा करते हैं, पन्नी पीते हैं, टीके लगाते हैं, वही तो उनको बता रहे हैं हम फिर नशा करते हैं थोड़ा बहुत। तो नशा क्यों करते हैं फिर? नशा ये आज का थोड़ी कर रहे हैं, हमें करते कोई 15 साल हो गए हैं। तो किसी ने आपको रोका नहीं है? हुकूमत ने नहीं कहा आपके कि आप नशा ना करें, आपका इलाज करें? हुकूमत ने तो बहुत इलाज का कहा, और ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि जो हमें दाखिल करें, ये निश्चर कहते हैं दाखिल करते हैं। मौका कौन सा होना चाहिए था, मतलब कौन सा मौका आपको मिलता? यही हमें इलाज दाखिल करें, हमने दाखिल नहीं करते, वो कहते हैं जाओ कोई कार्ड लेके आओ, कार्ड लेके जाते हैं तो कहते हैं जी कल आना परसों आना, ऐसे हमें जेल करते हैं। अच्छा कोई गाना आता है आपको? गाना नहीं, गाना अभी आपको आता कोई गाना? नहीं आप आगे गुलकार बैठो है, इमरान खान दोबारा बोलो, कोई गाना सुना यार मजाक है। एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा अभी क्या कर रहे हैं? अभी पन्नी लगा रहा हूँ मैं। पन्नी गाना ही? तो ये पन्नी मतलब आप यही लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा तो मतलब आपको किसी ने कोई इलाज वगैरह नहीं कराया कि आपका कोई इलाज किया जाए? 2 दफ़ा मैंने अपना इलाज करवाया है। अच्छा लेकिन फिर जब ऐसे यार दोस्तों में बैठ रहते हैं कराया जाए तो आप उस करना चाहते हैं? हाँ नहीं ज़रूर। एक और साहब भी मेरे साथ मौजूद है, खास साहब का गीत सुनाएंगे आप? मुवड़े जोर हुए असां घुट पीती थे मच गए शोर हुए, कोई ता निशानी दसो चल अपने प्यार दी, क्यों घट गई आबादी तुहाडे शहर दी, कोठियां दा काठियों दा उच्चिया अदालतां तो पिंड बड़े दूर हुए असां घुट पीती थे मच गया शोर हुए। क्या बात है। तो ये गुफ्तगू आपने
सुनी इनकी, दिल इनका भी चाहता है कि वो भी ठीक हो जाएं, लेकिन न जाने कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से आज भी वो इसी दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। ये चाहें तो बहुत अच्छा गा भी सकते हैं, चाहें तो बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं, बस ज़रूरत है मुआशरे के इन इस तबके के ऊपर भी तवज्जो देने की, कि इन्हें भी तवज्जो जो है दी जाए और इन्हें भी अपनाइत का एहसास दिलाया जाए, इन्हें इस आदत से छुटकारा मिले। अगर इनका आदत का छुटकारा मिलेगा तो वतन अजीज़ के अच्छे शहरियों के अंदर और इजाफा होगा।